आपने गिरगिट के रंग बदलने के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने सांप के रंग बदलने के बारे में सुना है? आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के उरमांझी प्रखंड में चिड़ियाघर के स्नैक हाउस में देखा गया। झारखंड में विरले पाया जाने वाला इस प्रजाति का एक सांप मिला है, लेकिन इस सांप के दीदार करने के लिए अभी आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि कॉपर हेडेड ट्रिंकेट प्रजाति का यह सांप जमशेदपुर से पकड़ाया है। मंगलवार की रात करीब 8 बजे मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने पारडीह काली मंदिर के समीप स्थित एक घर से इस सांप को पकड़ा है। इस सांप को जमशेदपुर से रांची लाया जाएगा और स्नैक हाउस में रखा जाएगा। सर्प विशेषज्ञ बताते हैं कि यह सांप झारखंड में बहुत कम पाया जाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में इस प्रजाति के सांप बहुतायत में पाए जाते हैं। बोलुब्रिडाई परिवार के सांप की यह प्रजाति उत्तराखंड तक के हिमालयी क्षेत्र में मिलते हैं। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ये सांप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुतायत में नहीं मिलते। सदाबहार के जंगल इनके प्रिय स्थान हैं। पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के इलाके इन्हें बेहद प्रिय हैं। इस प्रजाति के सांप गुफाओं में, मिट्टी के मेड़ों पर और लकड़ी के गट्ठों के बीच छिपकर रहते हैं। लालिमा लिए भूरे शरीर पर 4 काली धारियां इसकी विशिष्ट पहचान है। इसका सिर तांबे के रंग का होता है। यह सांप कभी भी अपना रंग बदल लेता है। जन्म के समय इसकी लंबाई 25-30 सेंटीमीटर होती है। इसकी औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर और अधिकतम लंबाई 230 सेंटीमीटर तक होती है।